सपोजिटली कल आपके पास हुकूमत आ जाती है और हुकूमत में आप लोग आ जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी आप कह रहे हैं आपको मिल जाएगी, आप लोगों को अगर मिल जाती है, अगर इट्स अ बिग टाइम चले मिल जाती है अगर आपको, तो फिर आपके पास क्या प्लान है इन सब चीजों को अंडू करने का? देखिए जी, दो तीन चीजें हैं रन सब। सबसे पहली चीज ये कि जब इकोनॉमी हमें मिली थी 2018 में, हमें 2.5 साल लगे थे स्टेबलाइज करने के लिए। जो ग्रोथ रेट इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, आपको खुद आपको मालूम है, कोविड आ गया था, वो कोविड दुनिया का उसने ऐसी की तैसी फेर दी और आज भी उसके असर जो है दुनिया में लोग महसूस कर रहे हैं। सप्लाई चेन्स खत्म कर दी, वो हमें मिली। उसके बाद पिछले साल की जो ग्रोथ रेट आई, मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये हुकूमत आई, इन्होंने प्रेशर किया चीफ इकोनॉमिस्ट प्लानिंग कमीशन के कि इन ग्रोथ फिगर्स को नीचे गए। उसने कहा मैं नहीं करता, वो मुस्ताफी होके मैं सलाम पेश करता हूं, वो चले गएगा। ग्रोथ रेट आई जनाबे वाला 6%। इन हालात में इकोनॉमी ने ग्रो करना शुरू कर दिया था, साजिश हुई गैर मुल्की, ये मरास्ता और ये सारी चीजें, और उन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। आपने कहा हम लोगों को क्या कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल है 2 साल मजीद, 2-2.5 साल हमें इसको फिर उस खाई में से निकालने के लिए लगेंगे। जो भी हुकूमत आए, अवाम जिस मर्जी को लाए, हमारा मुतालबा क्या है, इमरान खान साहब का क्या मुतालबा है, हम सारे कॉलीग्स का, पीटीआई का क्या है, एक क्लियर मैंडेट लेके वो आए मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। इस्लामाबाद के मेयर वाली हुकूमत राणा साहब नहीं चलेगी, इसके साथ काम नहीं होगा।